Let's continue on OB. Our next topic is group formation. How group is developed? Group develop कैसे होता है? What are the process of group development? So there are five stages of group development. Group have got the life cycle, just like the life cycle of product. जैसे इंसान की life cycle होती है, product की life cycle होती है, ऐसे group की भी life cycle होती है. जैसे group पैदा होता है, बड़ा होता है, develop होता है, दिन खत्म हो जाता है. तो जनरली द ग्रुप पासिस थ्रू फाइव स्टेजेस. कितने स्टेज है याद रखना, फाइव स्टेजेस. कौन से देखते हो डिटेल में. फर्स्ट वन इज फॉर्मिंग. फॉर्मिंग का मतलब क्रिएट होना. वो अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलेंगे तो बहुत मजा आएगी. द फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय मस्ट अनसर्टेनिटी. मस्ट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी ही बात कर लो, जब आप लोग एफ वाई बी कॉम में जब एडमिशन लेके आए थे तो सब लोग अनसर्टन थे कि मेरे को किसके साथ बैठना है, किसको फ्रेंड बनाना है, किसके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, किससे बात नहीं करनी. तो इन दिस स्टेज देर इज अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द ग्रुप पर्पस, स्ट्रक्चर, टास्क एंड लीडरशिप. तो जब नए नए आप लोग ज्वाइन हुए थे फर्स्ट ईयर में, तो आपका कोई गोल फिक्स नहीं था कि किसके साथ बैठना है, कौन हमारा ग्रुप का लीडर होगा, हम किसके साथ बात करेंगे, हमारा ग्रुप का नाम क्या होगा. तो सिमिलरली फॉर्मिंग का मतलब ग्रुप की शुरुआत होना. द ग्रुप मेंबर लर्न अबाउट ईच अदर एंड ओरिएंट देमसेल्फ टू द सिचुएशन. जैसे जैसे तुम्हारे बीच में 15 दिन 20 दिन निकलते गए तो तुम एक दूसरे को देखते गए, एक दूसरे को समझते गए. एंड दे ट्राई टू डिटरमाइन what type of behavior are acceptable. At the end of this stage the member believe that they are a part of the group. yani bataya kya chahe to wahi bataya ki aapne 10 din 15 din ek dusre ko behave kiya, ek dusre ke behavior ko study kiya, observe kiya, uske baad laga nahi yaar mujhe iske sath comfortable rehta hai, mera ye friend acha hai, meri ye friend achhi hai, main uske sath baithunga, main iske sath daily regular ghar se aaunga. to yahan pe tumhara group part ban gaya. That is called forming. Second one is storming. The second stage is characterized by intra-group conflict. कौन सा conflict? Intra-group conflict. यानी in this stage the member need to clarify the role and behavior expectation. यानी थोड़ा time हुआ तो तुम्हारे बीच में थोड़ी बहुत भाई मेरे को सर मेरी जगह पे बैठ गया, इसको उठा दो, मेरे को इसके साथ नहीं पता. इस प्रकार के तुम्हारे बीच में अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे. इन दिस स्टेज द मेंबर नीड टू क्लेरिफाई देयर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन. सो व्हेन दे डिसाइडेड द प्रोसीजर, रोल, पावर, दे में एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट. ये प्रॉब्लम थी सर, इसको मेरी जगह पे से उठा दो, मेरे को इसके साथ नहीं बैठना, सर ये मेरी बुक ले गया, मुझे रिटर्न नहीं कर रहा. यानी तुम लोग मेरे से डील ज्यादा कर रहे थे वरना ग्रुप के अलावा. तो ये स्टेज क्या होता था कि धीरे धीरे 15-20 दिन हुए तो दिस स्टेज एम टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अबाउट पावर. इट एम एट द सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंगनेस मस्ट रिप्लेस द हॉस्टिलिटी. ये स्टेज पे तुमने क्या करा, महीना जो एक दूसरे के साथ थोड़े झगड़े करे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, एक दूसरे से मगजमारी करी, एक दूसरे से बात करी, झगड़े का सोल्यूशन निकाला, फिर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हो गए, बात करते हो गए. इफ दिस ऑब्जेक्टिव आर नॉट अचीव्ड देन ग्रुप मैन स्लीप. सीधा है कि तुमको उसके साथ फाने लगा तो आप उसके साथ कंटिन्यू करने लगे, वरना सर मैं अब इसके साथ नहीं बैठूंगा, मेरी जगह चेंज कर दो, मैं अब अलग बैठूंगी. यानी इस प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है. थर्ड वन इज नॉर्मिंग. द थर्ड स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहिसिवनेस. कोहिसिवनेस का मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी अब तुम लोगों का 1.5-2 महीने निकल चुके हैं, तुम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान रहे हो, तो तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप, तुम्हारे बीच में फ्रेंडशिप, तुम्हारे बीच में भाईचारा बढ़ने लगा. इन दिस स्टेज क्लोज रिलेशनशिप आर डेवलप अमोंग द मेंबर एंड दे शो कोहेसिवनेस. कोहेसिवनेस का मतलब बिलोंगिंगनेस. जैसे तुम लोग फिर 1-1.5 महीने के बाद क्या तुम लोग ग्रुप बनाने लगे, ग्रुप में घूमने जाने लगे, ग्रुप में कॉलेज जाने लगे, व्हाट्सअप ग्रुप बना के चैटिंग करने लगे, एक साथ पार्टी में साथ में जाने लगे, ना बिलोंगिंगनेस बढ़ने लगा.
इट शो द सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड कॉमरेड. तो तुम्हारी एक आइडेंटिटी क्लियर हो गई कि यू आर अ बैच ऑफ एस वाई बी कॉम, यू आर अ बैच ऑफ फर्स्ट ईयर बी कॉम, यू आर अ बैच ऑफ टी वाई बी कॉम. देर इज कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव कोलाबोरेशन. ये भी मैंने बताया कि तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप सुधर गया तो तुम्हारे बीच में कोऑपरेशन और कोलाबोरेशन होने लगा. द ग्रुप डिसाइड सर्टन नॉर्म्स. नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, रूल्स ऑफ बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेड बाय द मेंबर. यानी तुमने तुम्हारे रूल्स बना लिए कि देखो भाई हम लोग ऐसा करेंगे, इस तरह से बातचीत करेंगे, इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे. दिस क्रिएट द फीलिंग ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट अमॉन्ग ग्रुप मेंबर एज वेल एज बिटवीन यू. एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, जैसे ही तुम्हारे बीच में 2 months, 3 months ओवर हो गए, योर ग्रुप बिकम सॉलिड एंड ग्रुप एज एक्सेप्टेड कॉमन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन. यानी बंक मारेंगे तो भी हम साथ में मारेंगे, अगर क्लास जाएंगे तो भी हम साथ में जाएंगे. यानी तुम्हारा कॉमन एक्सपेक्टेशन बनने लगा, आप एक दूसरे की राह देखने लगे. एंड स्टेज 4 इज परफॉर्मिंग. परफॉर्मिंग अब ये बिजनेस लेवल पर आ जाता है. तुम्हारे बीच में रिलेशन बनने लगा तो तुम लोग को जो काम दिया था वो काम करने लगे. द फोर्थ स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय फुल फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप. इट इंक्लूड टीम वर्क, रोल क्लैरिटी. सब लोगों ने अपना अपना रोल, भाई मुझे अकाउंट अच्छा आता है तो मैं अकाउंट पे फोकस करूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम मुझे इकोनॉमिक्स बताओ, आप मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा दूंगा, आप मुझे स्टेटिस्टिक बताओ. तुम्हारे बुक्स एक्सचेंज होने लगी, तुम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, तुम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे. तुमको जो गोल, जो फंक्शन दिया गया था वो तुम अचीव करने लगे बाय मेकिंग टीम. द ग्रुप मेंबर वर्क वेल टूगेदर, दे अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सब लोग अपने अपने जिम्मेदारी समझने लगे, अपने अपने हिसाब से काम करने लगे. एंड दे आर एबल टू एडप्ट सक्सेसफुली टू द अपॉर्चुनिटी एंड चेंजिंग द वर्ल्ड. दिस इज द लास्ट स्टेज इन अ ग्रुप डेवलपमेंट फॉर परमानेंट वर्क ग्रुप. अगर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस वर्ल्ड, देन दिस स्टेज परफॉर्मिंग इज द लास्ट स्टेज इन द ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस. Because if you are working together in a field of business, in the field of organization, in the business environment, the total group is performing well. So this is your last stage. Because the main responsibility in the business is you have to perform the work. Now you are performing well and achieving the goal and achieving the objective. So from this pardon point of view, it is said that this is the last stage for permanent work group. And last come adjourning. Adjourning means बिछड़ना. जैसे after completing तुम्हारा perform करने लगे, आप FY साथ रहे, second year साथ रहे, TY साथ रहे, अब आपका permanent end group खत्म हो रहा है. Now this is a period of adjourning. Adjourning का मतलब आप लोग अपनी पढ़ाई करके completing your education, completing your graduation, कोई अलग field में जाएगा. You all are separated from each other. तो this stage is called adjourning. Adjourning means जुदा होना. The fifth stage is characterized by wrapping up of activity, yani kaam khatam karna. This is the last stage for temporary committee in business world, task force, work team, which are created from specific objective. In this stage, the group prepare for its disbandment, yani ab yahan chutte hone lagoge, to yahan pe sabke reaction, sabke reaction, sabki condition will be different. Some are very happy because they are going to complete their graduation. Some are very sad because this is the last stage after TY become. You all are adjourned. You all are separated with each other. You do not get time for party. You do not get timing for doing any type of masti. You do not get any time of functional work. You do not get time passes in doing WhatsApp, chatting, torturing and hammering your teacher. This good time is going to be completed. So this is also sad moment for the peoples. So this adjourning is both, contain both performing and adjourning. So adjourning is good as well as bad for all. Some people feeling very happy because they have completed their goal, they have completed their graduation. So this is the last stage of group development process. Now comes technique of decision making. We will continue it in our next lecture.